स्मोकिंग न्यूज चैनल से। दोस्तों आज मैं दिवा के अंदर हूँ। दिवा जो मेट्रो हॉस्पिटल है, दिवा नाके पे ही जो है एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं हूँ। आज जो है एक पेशेंट आया है जो मतलब बहुत गंभीर रूप से घायल था। वो कहा जा रहा है कि इनका नाम है रेखा नायडू। ये जो है स्टेशन पे उतरी और स्टेशन पे उतरने के बाद जो है इनका खुद का एक रिक्शा था जो इनका आदमी चलाता था वो रिक्शा, और रिक्शे में बिठाया हुआ आदमी ने वहाँ से घर पे लेके गया। और घर पे पहुँचने के बाद वो धारदार चाकू से उनके ऊपर वार करने लगा और उनके सर पे भी बहुत गहरा उनको मतलब वार किया गया है। और वो चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। मुमरा जो सीनियर पीआई हमारे हैं वो हॉस्पिटल जहाँ पे घटना हुई थी वो स्थल पे पहुँचे उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने जायजा लिया उसका, उन्होंने देखा और उसके आरोपी को भी मतलब पकड़ा है। आरोपी भी गिरफ्तार है इस वक्त, उसके साथ भी पूछताछ चालू है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका रिलेटिव कोई नहीं होने के वजह से उसको हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी तकलीफ आ रही है। तो अभी बताया जा रहा है कि अगर समझो यहाँ अगर कुछ उसको खतरा ज़्यादा है, मतलब उसकी जान नहीं बचाई सकती है, तो उसको कोई दूसरे हॉस्पिटल में हम एडमिट करेंगे। और ये जो वारदात को अंजाम दिया गया, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को सिर्फ एक शक था कि मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि हाँ हाँ इसका किसी दूसरे के साथ में कोई संबंध है या ऑफर है। उस चीज़ को लेके मतलब आदमी के दिल में एक और दिमाग में बहुत मतलब गुस्सा था, और उसके वजह से उन्होंने मतलब वो आरोपी जो है और उसके ऊपर काफ़ी सारे वार किए, पूरे जिस्म के अंदर जो है काफ़ी घाव बताया जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है कि काफ़ी सारे, अभी वो बेहोश है, अभी वो किसी बात करने की हालत में नहीं है। जब ये होश में आएंगी तो हम इसका पूरा डिटेल्स आपको दे सकेंगे। मैं लाल मोहम्मद शेख, मैं फिर एक नए न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए नमस्कार।